नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। मैं आज वैशाख महात्म्य के 8वें अध्याय का भाषा अनुवाद करती हूँ। नमस्कार, श्री गणेशाय नमः। इतनी कथा सुनकर मिथिलेश ने पूछा कि हे ब्राह्मण, इक्ष्वाकु वंश के राजा ने जल और अन्न का दान किया, इसी से वह चातक और छिपकली की तथा साधु महात्माओं की सेवा न करने से गिद्ध की योनि में आया, परंतु आपने बतलाया कि यह 7 जन्म तब कुत्ते की योनि में आया, सो इसका कारण मेरी समझ में नहीं आया। उसने संत महात्माओं को कष्ट नहीं दिया, न ही वह कृपण था। उसने केवल संत महात्माओं की सेवा नहीं की, सो उसका फल उसको न मिलता। उसने किसी को कष्ट भी नहीं दिया, सो बिना कारण के ही उसको कुत्ते की योनि क्यों मिली, इसका मुझको संशय है। कृपा करके आप मेरी शंका का समाधान करिए, मैं इसका आपका शिष्य हूँ। राजा के ऐसे वचन सुनकर महायशस्वी श्रुतिदेव ने कहा, राजन, तुम धन्य हो जो तुमने ऐसा धार्मिक प्रश्न किया है, सो मैं अब इसका समाधान करता हूँ। यही वार्ता श्री शिवजी ने कैलाश पर्वत पर पार्वती जी से कही थी। सब लोगों की रचना कर उनकी आस्मिक परलोक और ऐहिक इस लोक दो प्रकार की स्थिति बनाई और उनको स्थिति के निमित्त तीन वेद बनाए, जल सेवा, अन्न सेवा, औषधि सेवा। यह 3 इस लोक की स्थिति के हेतु हैं तथा साधु सेवा, विष्णु पूजा, धर्म, यह 3 पारलौकिक स्थिति के हेतु हैं। जैसे ऐहिक धर्म से धन संपत्ति आदि प्राप्त होती है, वैसे ही पारलौकिक क्रियाएं कभी कभी दुख का कारण हो जाती हैं। जैसे अप्रिय बात भी कभी किसी से कहने के कारण भी हो जाता है। हे राजन, मैं अब तुमसे एक पुराना इतिहास कहता हूँ, सो आप ध्यानपूर्वक सुनिए। एक समय दक्ष प्रजापति महादेव को यज्ञ में बुलाने के लिए कैलाश में गए, तब उनको आते देखकर श्री महादेव जी खड़े नहीं हुए, क्योंकि शिव जी ने सोचा कि मैं सनातन हूँ और यह सब देवता यज्ञ का भाग लेने वाले सेवक ही के समान हैं। इसलिए स्वामी का सेवक के आने पर, पति का पत्नी के आने पर, गुरु का शिष्य के आने पर उठना आवश्यक नहीं है। यही सब शास्त्रों का मत है। इसमें बल, दान, तप और शांति अधिक हो रहती है। वही गुरु है जो स्वामी स्वयं अपने सेवकों के लिए उठते हैं। उनकी आयु, धन और यश तत्काल नष्ट हो जाते हैं। इसलिए यह मेरा प्रिय ससुर है, ऐसा विचार कर दक्ष प्रजापति की भलाई के लिए शंकर जी नहीं उठे। यह देखकर दक्ष प्रजापति को अत्यंत क्रोध आ गया और उनके सामने ही उनकी निंदा करने लगे। देखो, एक दरिद्र को बड़ा अहंकार आ गया है। इनका धन केवल एक बूढ़ा बैल, जिस पर केवल चर्म ही रह गया है, कपाल की हड्डी धारण करता है, पाखंडी, अहंकारी तथा अपवित्र, किसी का शुभ कार्य न करने वाला, दरिद्र के मारे सीज से दुखी, बाघ के चर्म को ओढ़ने वाला, शमशान जिसका घर है सर्पों का आभूषण है, न इसमें धीरज न ज्ञान, भस्मासुर के डर से दूर भाग गया था, भूत प्रेत आदि का संग इसके कुल का कुछ पता नहीं, दुरात्मा नारद जी के वृथा ही इसकी बड़ाई की, इससे मैंने अपनी कन्या सती का विवाह इसके साथ कर दिया, इसको अपने घर में सुख से निवास करवाएं, ऐसा भी नहीं हो सकता। जैसे कुम्हार का घड़ा चांडाल के घर में पहुंचने से किसी का काम भी नहीं रहता, वैसे ही मेरी कन्या का मुझसे कोई प्रयोजन नहीं है। इस प्रकार दक्ष प्रजापति शंकर और सती को यज्ञ का निमंत्रण न देकर और कुआ के कहकर चले गए। यज्ञ स्थान में ऋत्विक और मनुष्यों का साथ देकर विधि पूर्वक यज्ञ करने लगा तथा अनेक प्रकार से शिव की निंदा करने लगा। यज्ञ में ब्रह्मा और विष्णु नहीं आए तथा सिद्ध चारण, गंधर्व यज्ञ, राक्षस, किन्नर और सब देवता यज्ञ में आए। इधर सती के मन में यह लालसा उत्पन्न हुई कि किसी प्रकार से यज्ञ उत्सव देखूं और अपने संबंधियों से मिलूं। महादेव के रोकने पर भी वह न रुकी और अपने मन से जाने का निश्चय कर लिया। शिव जी ने कहा कि हे भद्रे, दक्ष सदैव सभा में बैठकर मेरी निंदा करता है, वह तुमसे सहन न हो सकेगी और तुम अवश्य अपना शरीर त्याग दोगी, अतएव तुम अपने पिता के घर मत जाओ, इसमें कल्याण नहीं है। इस प्रकार समझाने पर भी सती न मानी और चुपचाप चल दी। तब पीछे से जाकर नंदी ने उनको अपनी पीठ पर बैठा लिया और भूत प्रेत आदि भी उनके संग हो लिए। सब महल में पहुँचे तो किसी ने भी उनके साथ बात नहीं की। तब शिव जी की बात याद करके वह यज्ञशाला में गई और वहाँ पर दक्ष अन्य सभा में लोगों के
सती और रुद्र की आहुति नहीं दे रहे थे। वहाँ पर दक्ष अन्य सभा में लोगों के सती से कुछ भी न बोले, सती चुपचाप वहाँ पर खड़ी रही और रुद्र की आहुति तक पिता की चेष्टा देखती रही। जब दक्ष ने रुद्र की आहुति नहीं दी तो सती ने क्रोध युक्त होकर कहा कि जो बड़ों का अपमान करते हैं उनका कल्याण नहीं होता। तुमने सारे जगत रचेता अविनाशी रुद्र को आहुति नहीं दी है। जहाँ जितने ऋषि मुनि महात्मा एकत्रित हुए हैं उन्होंने भी तुमको सुबुद्धि नहीं दी है। ऐसा प्रतीत होता है कि विधाता तुम्हारे साथ इनके भी प्रतिकूल है। सब सती के यह वचन कह रही थी तो पूषा देवता मुंह फड़कर हंसने लगे और कर्महीन शुक्राचार्य दाढ़ी और मुंह फड़काने लगा और दक्ष निंदा करने लगा। वह यह सब बातें देखकर सती को अत्यंत क्रोध आ गया और वह पति की निंदा सुनकर प्रायश्चित के रूप में अपना शरीर त्यागने को तैयार हो गई और सबके देखते देखते हवन कुंड में कूद पड़ी। सती के गिरते ही हाहाकार मच गया। शिव जी के गण भागकर शिव जी के पास आए और सारी कथा सुनाई। महादेव जी कालांत रूप को क्रोध से अपनी जटा उखाड़ कर पृथ्वी पर मार दिए। इससे बड़ा बलवान महाकाय वीरभद्र उत्पन्न हुआ और हाथ जोड़कर कहने लगा कि जिस काम के लिए आपने मुझको उत्पन्न किया है सो बतलाइए। तब शिव जी ने उनको आज्ञा दी कि मेरे निंदक दक्ष का नाश कर दो। इसके कारण मेरी सती को शरीर त्यागना पड़ा और भूत गणों को भी ये आज्ञा दी कि तुम इनके साथ जाओ। महादेव जी आज्ञा पाकर सहस्त्र भुजाओं वाला यमराज के सदृश वीरभद्र यज्ञशाला में पहुंचा। देवता असुर मनुष्य आदि भी जो यज्ञ में उपस्थित थे सबको मारने लगा। पूषा दांत निकालकर हंसा था इसलिए उसके दांत उखाड़ दिए। भृगु की दाढ़ी उखाड़ दी गई जिससे जो जो अंग फड़काए थे वीरभद्र ने उन सब अंगों को उखाड़ कर फेंक दिया। दक्ष का सिर काटने लगा किंतु शुक्राचार्य मंत्र के बल पर उसकी रक्षा करते रहे इसलिए नहीं कट सका। तब रुद्र ने स्वयं उसका सिर काट डाला। इस प्रकार यज्ञ में आए हुए सबका संहार कर वे कैलाश को लौटे। जो मरने से बच गए थे वे सब भागकर ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी उनको साथ लेकर कैलाश को गए। वहां जाकर उन्होंने अनेक प्रकार से समझा बुझाकर शिव जी को शांत किया। फिर महादेव जी को भी साथ लेकर यज्ञशाला में पहुंचे। यज्ञ में जो मारे गए उनको जीवन दान दिया और महादेव ने दक्ष के धड़ पर बकरे का सिर लगा दिया जिससे आज तक उसके उपासक ही प्रशंसा के लिए बम 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 कहते हैं। भृगु के मुख पर बकरे की दाढ़ी लगा दी गई। पूषा के दांत नहीं लगाए। उससे कह दिया गया कि तू पीस कर खा लिया करना। इस प्रकार सबको फिर अंग सहित किया गया और दक्ष पूर्वत यज्ञ करने लगा। यज्ञ संपूर्ण होने पर सब देवता अपने अपने स्थानों को चले गए और शिवजी महाराज ने शुक्राचार्य ब्रह्मचार्य व्रत धारण करा और गंगा तट पर एक वृक्ष के नीचे तप करने लगे। दक्ष की पुत्री पतिव्रता सती ने राजा हिमांचल के घर में उनकी स्त्री मैनिका के गर्भ से पार्वती रूप में जन्म लिया तथा वहीं पर उसका पालन पोषण होने लगा। इसी समय तारकासुर नाम का एक राक्षस उत्पन्न हुआ जिसने महातप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और ब्रह्मा ने यह वरदान पा लिया था कि देवता राक्षस नाग व मनुष्य किसी से भी यही नहीं मरेगा। किसी प्रकार से आयुध अस्त्र शस्त्र इसे नहीं मारेंगे परंतु भद्र भगवान के पुत्र के से तेरी मृत्यु होगी। राक्षस ने सोचा कि जब शिव जी की स्त्री नहीं है तो पुत्र कहाँ से आएगा, फिर मृत्यु को कैसे प्राप्त हो जाएगा। इस कारण यह कह दिया था खास तू ऐसा बर पाकर वह तारकासुर ने सबको दुखी कर देना प्रारंभ कर दिया। देवताओं को अपना दास बना लिया और देवांगनाओं को दासी बनाया। इस प्रकार सब देवता दुखी हो गए। वे ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी ने उनके दुख को सुनकर कहा कि वर देते समय हमने यह राक्षस से कहा था कि उसकी मृत्यु शिव जी के पुत्र के हाथ से ही होगी, अतः सिवाय रुद्र पुत्र के इसकी मृत्यु किसी भी उपाय से नहीं होगी। इसलिए ऐसा उपाय करना चाहिए कि शिव जी की स्त्री सती ने दक्ष के यज्ञ में अपने प्राण की आहुति दी थी, अब उनको पार्वती के रूप में हिमांचल के घर जन्म लेना है। परंतु रुद्र भगवान हिमांचल के शिखर पर घोर तप कर रहे हैं, सो ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे रुद्र का पार्वती के साथ पाणी ग्रहण हो जाए। तब सब देवताओं ने इंद्र सहित अमरावतीपुरी पर जाकर गुरु बृहस्पति के से सलाह ली और फिर इंद्र ने अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए नारद कामदेव को बुलाया और
उनसे कहा कि यह हिमांचल के घर जाकर उसको समझाए कि पिछले जन्म में दक्ष की पुत्री शिवजी की पत्नी अब पार्वती के रूप में तुम्हारी पुत्री हुई है। सती के वियोग में श्री महादेव जी तुम्हारे शिखर पर तप कर रहे हैं, इसलिए तुम अपनी कन्या का विवाह उनसे कर दो, जिससे वह जाकर उनकी सेवा कर सके, वही उनके पति होंगे। इंद्र की आज्ञा पाकर नारद जी को जैसा समझाया वैसा ही करने के लिए चले गए। और फिर इंद्र ने कामदेव को बुलाया कि सब देवताओं के हित में तुम बसंत ऋतु सहित तपोवन में जहाँ तपस्या कर रहे हो जाओ और वहाँ पर बसंत का विस्तार करो, और जब पार्वती जी वहाँ पहुँच जाए तब धनुष चढ़ाकर ऐसा बाण मारो कि शिव जी मोहित हो जाएं। इसका संगम होने पर सब कार्य अवश्य पूरे होंगे। कामदेव ने ऐसी आज्ञा पाकर अपनी पत्नी रति के साथ लेकर तपोवन में बसंत ऋतु का प्रसार किया। वन में चारों तरफ पुष्पों की सुगंध फैल गई, वन में शोभा अपूर्व हो गई, शीतलमंद सुगंधित वायु चलने लगी। उस समय से पार्वती महादेव जी के पास उनकी सेवा के लिए पार्वती जी बैठी हुई थी, तब कामदेव के पीछे से वृक्ष के ओट में होकर शिव जी को बाण मारा, तब शिव जी का मन चलायमान हो गया। कामदेव का दूसरा बाण चलाने पर भी वह शिव जी पर यह विचार उत्पन्न हुआ कि उसके मन को कोई चंचल कर रहा है, इसका क्या कारण है। और जब उन्होंने चारों तरफ देखा कि कामदेव दिखाई दिया, क्रोध से अपने मस्तक में तीसरा नेत्र खोला जिसमें ऐसी अग्नि उत्पन्न हुई जिससे सारा संसार भयभीत हो गया, और उस अग्नि से धनुष सहित कामदेव भस्म हो गया। सब देवता अपने कार्य की सिद्धि समझ कर इधर उधर भाग गए। वसंत और रति भयभीत होकर भाग गए। पार्वती जी भी एक ओर डर कर दूर खड़ी हो गई। तब स्त्री को निकटता दूर करने के लिए महादेव जी फिर अंतर्ध्यान हो गए। हित की सिद्धि करने वाले देवताओं का कार्य सफल न हुआ किंतु उल्टा अनर्थ हो गया। जो कोई साधुओं से दुष्टता करता है उनके साथ ऐसा ही होता है। इसी प्रकार इक्ष्वाकु वंश का राजा भी साधुओं को अप्रिय था, क्योंकि वह भली भांति साधुओं की सेवा नहीं किया करता था, इसलिए उसने महान दुख भोगे और बुरी योनियों में जन्म दिया। इसी प्रकार कामदेव ने शिवजी को अप्रिय करने से दुख उठाया। जो कोई पुण्य चरित्र को पढ़ते हैं या सुनते हैं वो जन्म जन्म में मृत्यु तथा बुढ़ापे से निसंदेह छूट जाते हैं। इस प्रकार वैशाख महात्मा का 8वां अध्याय। तत्सत। नमस्कार।